खरगोन शहर में पुलिस एवं प्रशासन ने शुक्रवार की रात आगामी त्योहारों की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और एसपी धर्मवीर सिंह की मौजूदगी में तालाब चौक से होते हुए शहर के विभिन्न संवेदनशील मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। आगामी त्योहार विशेष रूप से रामनवमी के पहले पुलिस अलर्ट है। इस दौरान कलेक्टर एसपी सहित एएसपी एसडीएम एसडीओपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों और भारी पुलिस बल ने रामनवमी पर निकलने वाले जुलूस मार्ग का निरीक्षण भी किया। गौरतलब है कि आगामी 30 मार्च को रामनवमी पर्व को देखते हुए पुलिस अभी से अलर्ट है। खरगोन शहर में पिछले वर्ष रामनवमी के जुलूस पर पथराव, आगजनी और हिंसा के बाद 24 दिन तक शहर में कर्फ्यू लगाया गया था। इस दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस ने पहले से ही पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। फ्लैग मार्च में शामिल कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने मीडिया को बताया, रामनवमी पर निकलने वाले जुलूस मार्ग का पैदल चलकर निरीक्षण किया है ताकि आम जनता में संदेश जाए कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता है, जनता अपना त्योहार आनंद से मनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। जो त्योहार हैं उनको देखते हुए लगातार हम लोग पैदल पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं उसमें प्रशासन की सारी हमारी टीम, कलेक्टर साहब भी हैं, एसडीएम और पूरे प्रशासनिक अमले के साथ में, पुलिस व्यवस्था के साथ में सारे संवेदनशील क्षेत्रों का हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, जिससे कि हम पूरी कार्ययोजना बना सकें आगामी त्योहारों की। बाकी जितने भी समाज के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ चर्चाएं हुई हैं और 30 तारीख को रामनवमी का पर्व है और आगामी समय में जो अपना मुस्लिम धर्म के त्यौहार हैं उन सभी की तैयारियां हम बहुत गंभीरता से कर रहे हैं। मुझे लगता है सारे त्यौहार बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छे से निकलेंगे। सर, फ्लैग मार्च निकाल के किस प्रकार का संदेश शहर में देना? बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज है। हम लोग सारी व्यवस्थाएँ देख रहे हैं, प्रशासनिक विभागों की बाकी व्यवस्थाएँ क्या होंगी, जो रूट हैं आयोजनों के, और आम जनता में ये कॉन्फिडेंस जाए कि सुरक्षा व्यवस्थाएं बहुत मुस्तैद हैं, लोग आराम से त्योहारों को एंजॉय करें। ठीक, निकाला गया सर, आप भी हैं, एसपी साहब भी हैं, पूरा पुलिस फोर्स भी है। इस बार 30 मार्च को रामनवमी का जो जुलूस निकलेगा उसका पूरा रूट मैंने और एसपी साहब ने पूरा पुलिस और प्रशासन के साथ देखा हुआ है। रूट पर कोई समस्या तो नहीं है, कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्था करना है वो पूरी व्यवस्था हम लोगों ने देखी है। और इस बार का जुलूस भव्य निकले, आयोजकों से भी लगातार बात हुई है, उनसे बैठक हुई है और उम्मीद करते हैं कि इस बार जो जुलूस है वो शानदार निकलेगा। पिछली बार जो समस्याएं थी वो इस बार नहीं आएंगी। गली गली मोहल्ले बातचीत, हाँ सभी से लगातार बात चल रही है, डेली बैठक हो रही है, रूट भी देखा हुआ है, मतलब हर एंगल से इसमें सब लोगों को शांति और सद्भाव से बढ़िया रामनवमी का जुलूस निकले उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और सभी लोगों चर्चा में पाया गया है कि दोनों समुदाय के लोग, हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग, समुदाय जो भी हैं आपस में मिलकर के एक दूसरे का स्वागत करते हुए बेहतरीन जुलूस निकलेगा ऐसा आश्वासन भी दिया हुआ और हम लोग पूरी तैयारियां प्रशासन भी कर रहा है। सर, संवेदनशील इलाकों में एहतियातन देखते हुए पुलिस फोर्स बढ़ाया जाएगा? वो सारी तैयारी हम लोगों की है, जो भी तैयारी हमारे स्तर से करना है पुलिस प्रशासन की ओर से हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।